डी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं कंचन। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एनडीए की बड़ी रैली होने वाली है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के बड़े नेता भी शिरकत करेंगे। सीएम नीतीश कुमार और रामविलास पासवान समेत कई दिग्गज हैं जो इस मंच पर एक साथ दिखेंगे। सबसे खास यह है कि इस दिन वर्ष 2010 में लुधियाना में हुई एनडीए की रैली के 9 साल के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार किसी राजनीतिक मंच से अपना संबोधन देंगे। जाहिर है ये रैली हाई प्रोफाइल है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी हाई प्रोफाइल ही रखी गई है। इसके लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास तैयारी की गई है। भारी संख्या में जनसमूह के शामिल होने की संभावना के मद्देनजर अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अतिरिक्त दंगा निरोधक कंपनी, सशस्त्र बल और लाठी बल की प्रतिनियुक्ति पटना जिला के अलावा रेलवे में की गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार के निर्देशानुसार पटना जिले में कुल 6 कंपनी सशस्त्र बल, 5 कंपनी लाठी बल और 1640 हवलदार और सिपाही बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा 150 एसएलसी प्रशिक्षु लाठी बल की रेलवे के लिए प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही पटना के जोनल आईजी को समीक्षा के बाद जरूरत पड़ने पर अपने जोन से भी अतिरिक्त व्यवस्था कर पटना पुलिस को उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।